Next question, number four. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. हम पहले फिगर को समझ लेते हैं. यहाँ बिलो ग्राउंड लेवल एक वेल डग किया गया. यह वेल सिलेंड्रिकल शेप में बनाया गया है. इसकी गहराई मतलब डेप्थ जो है वो 14 मीटर बिलो द ग्राउंड है. यहाँ से वेल को बनाते वक्त जो मिट्टी बाहर निकला, इस मिट्टी को इन्होंने वेल के माउथ के चारों तरफ इवनली स्प्रेड करके यहाँ एक एम्बैंकमेंट बनाया. एम्बैंकमेंट का मतलब होता है एक प्रोटेक्शन वॉल. ये प्रोटेक्शन वॉल कैसे है, जैसे कि सपोज बारिश होती है तो बारिश होने से बाहर जो गंदा पानी है इस वॉल के वजह से अंदर जाकर वेल के अंदर के पानी को गंदा नहीं करता. और भी कुछ काफ़ी तरीके से ये हेल्पफुल है, जैसे कि बाहर कोई जंगली जानवर या फिर बच्चे बाहर खेल रहे हो तो ये प्रोटेक्शन वॉल के वजह से अंदर गिरने का जो खतरा है वो नहीं रहता. अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर इस वेल के मिट्टी को यूज़ करके ये एम्बैंकमेंट बनाया गया है जिसका वॉल का विड्थ 4 मीटर है, तो फिर इस एम्बैंकमेंट का हाइट क्या है. यहाँ सवाल है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. तो यहाँ पे हम इस हाइट को निकालने के लिए हम इक्वेशन का मदद लेंगे. जैसे कि यहाँ वेल से जिस मिट्टी को निकाला गया उसी मिट्टी को एम्बैंकमेंट बनाने में यूज़ किया गया. इसका मतलब मिट्टी का जो क्वांटिटी है या फिर वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इधर जो वेल के अंदर है वही मिट्टी का वॉल्यूम इस एम्बैंकमेंट में भी है. तो इक्वेशन बनेगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द एम्बैंकमेंट इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द वेल. ऐसा करने से क्या होता है, इक्वेशन में जब हम वैल्यूज लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही फिगर से रिलेटेड डालते हैं तब उसमें अगर कोई भी अननोन वैल्यू मौजूद होता है तो इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान वो अननोन वैल्यू निकल जाता है. यहाँ हमारे पास अननोन वैल्यू है हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान हमें ये हाइट मिल जाएगा. अच्छा, शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एम्बैंकमेंट के शेप को एक बार समझ लेते हैं. एम्बैंकमेंट का शेप एक हॉलो सिलेंडर है. हॉलो सिलेंडर में दो सिलेंडर होता है, एक बाहर और एक अंदर. दो सिलेंडर है, बाहर का जो रेडियस है उसे हम कैपिटल आर लेते हैं और अंदर के रेडियस को हम स्मॉल आर लेते हैं, क्योंकि अंदर का रेडियस काफ़ी छोटा होता है बाहर का रेडियस बड़ा होता है, लेकिन दोनों में ही हाइट सेम रहता है. तो जब हम वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर जब हम निकालते हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर ये करना पड़ता है. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, सिलेंडर तो वॉल्यूम जब हम सिलेंडर के निकालते हैं हम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच ही यूज़ करेंगे, सिलेंडर कोई भी हो, आउटर हो इनर हो, लेकिन दोनों में फ़र्क है सिर्फ रेडियस का, अदरवाइज हाइट दोनों में सेम ही है. तो जब हम आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच यूज़ करेंगे. एंड जब हम इनर सिलेंडर का वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो हम फॉर्मूले में इनर सिलेंडर का रेडियस यूज़ करेंगे. जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हमें हॉलो सिलेंडर जितने मटेरियल से बना हुआ रहता है उतने मटेरियल का वॉल्यूम पता चल जाता है. मतलब इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो एम्बैंकमेंट है ये हॉलो सिलेंडर की शेप में, तो इस हॉलो सिलेंडर को बनाने में जितना मटेरियल मतलब सॉइल यूज हुआ है उसका क्वांटिटी भी हमें इसी फॉर्मूले से पता चल जाएगा. अच्छा, आप डिटेल्स एक बार देख लेते हैं इसमें. जैसे मैंने कहा कि इनर सिलेंडर का जो रेडियस है वो हमने स्मॉल आर लिया, तो इस हॉलो सिलेंडर में जो यहाँ पे रेडियस होगा वो इनर रेडियस होगा. ओके, अच्छा, अब ये वेल में भी हम देखें तो ये जो रेडियस है इस वेल का भी है, मतलब यहाँ भी इनर रेडियस स्मॉल रेडियस ही होगा. ओके, अच्छा, अब हमें पता है कि वेल का डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होगा, मतलब यहाँ पर भी रेडियस जो है वो 3/2 ही होगा. लेकिन आउटर रेडियस, जैसे कि हमने कहा कि आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर लेते हैं, ओके, जो कि यहाँ पे जो आर है और यहाँ जो आर है वो तो सेम होता है, लेकिन इतना पोर्शन उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तब जाके आउटर रेडियस बनता है. उसी तरह से आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आउटर रेडियस जिसको हमें कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये स्मॉल आर है और विड्थ ऑफ द वॉल इज 4 तो ये पार्ट 4 है. जब हम इस रेडियस के साथ 4 को ऐड करेंगे हमें कैपिटल रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब आउटर
सिलेंडर का रेडियस हमें पता चल जाएगा। तो एक बार हम डिटेल्स पहले नोट कर लेते हैं, देन हम इक्वेशन बनाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द एम्बैकमेंट इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द वेल। ओके, सो डिटेल्स फॉर वेल, जो कि एक सिलेंडर है, नॉर्मल सिलेंडर, तो इसका जो रेडियस हमने देखा, डायमीटर ऑफ द वेल 3 मीटर, तो रेडियस इज 3/2 मीटर। हमें एम्बैंकमेंट का जो, सॉरी, वेल का जो हाइट दिया गया वो है 14 मीटर। अच्छा, उसके बाद फॉर द एम्बैंकमेंट, ये एक हॉलो सिलेंडर है, मैं शेप्स भी मेंशन कर रहा हूँ साइड में। हॉलो सिलेंडर में दो रेडियस होता है, एक इनर रेडियस, एंड इनर रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द वेल। इस वजह से यहाँ मुझे 3/2 मिल रहा है रेडियस ऑफ द वेल, तो मैं यहाँ भी 3/2 ही मेंशन करूँगा। एंड आउटर रेडियस, इनर रेडियस के साथ जब हम विड्थ ऑफ द वॉल ऐड कर देंगे, मतलब इनर रेडियस प्लस विड्थ ऑफ द वॉल, तो हमें आउटर रेडियस मिलेगा। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 + 8, सो इट इज 11/2 मीटर, ये हमें मिल गया। लेकिन हमारा सवाल है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो हम एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जब क्योंकि अभी तक तो हमें हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट नहीं पता, तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट बी एच, सो एच ले रहते हैं। अब हम यहाँ पे इक्वेशन को पुट करते हैं। सिंस, जैसे कि हमने देखा, यहाँ से डक करने से जो मिट्टी निकला, उसी मिट्टी को यूज किया गया इस एम्बैंकमेंट में, इसीलिए दोनों ही जगह पर मिट्टी का क्वांटिटी सेम ही रहेगा। ओके, बस शेप ही बदल रहा। तो मैंने जैसे कहा था, शेप जब चेंज होता है, रिकास्टिंग का शेप, मतलब रिकास्टिंग का जब कंसेप्ट होता है, शेप बदल जाने के बावजूद वॉल्यूम बदलता नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही केस में सॉइल का वॉल्यूम हमें सेम मिलेगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द एम्बैंकमेंट इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द वेल, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इक्वेशन काफ़ी, मतलब हमारे लिए इजी होता है, काफ़ी मज़ेदार कंसेप्ट होता है इक्वेशन में। जब हम दोनों ही, मतलब फिगर का हम वैल्यूज डालते हैं, तो उस दोनों फिगर में कोई भी अगर अननोन वैल्यू होता है, वो निकल जाता है। ये एक फ़ायदा है इक्वेशन का। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि दोनों इक्वेशन में अगर हमें कोई भी सेम वैल्यू मिलता है, तो वो वैल्यू दोनों ही साइड में कैंसिल हो जाता है। लेफ्ट साइड राइट साइड में कोई भी वैल्यू सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। एंड थर्ड है, इक्वेशन की मदद से जब हम कोई भी चीज़ कैंसिल कर देते हैं, तो रिमेनिंग पोर्शन काफ़ी छोटा हो जाता है, वो इजी हो जाता है। इस तरह से काफ़ी सारे, मतलब अच्छे इसकी क्वालिटीज़ हैं। तो इक्वेशन में करने से बहुत इजी हो जाता है। अब एम्बैंकमेंट का हम वॉल्यूम डालते हैं। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम, जैसे कि हमने देखा, एम्बैंकमेंट एक हॉलो सिलेंडर है, इसलिए एम्बैंकमेंट में सॉइल का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम करना पड़ेगा। एंड वेल का वॉल्यूम निकालने के लिए हम नॉर्मल सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वेल का जो हाइट है वो कैपिटल एच है, तो हम इसमें कैपिटल एच पुट करेंगे। ओके, यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मतलब कॉमन लेंगे, दोनों ही पार्ट में पाई कॉमन है, एच भी कॉमन है, यहाँ आर स्क्वायर बचा है, यहाँ भी आर स्क्वायर बचा है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट, बोथ साइड आप देखिए, आपको पाई सेम मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा था, इक्वेशन में कभी कभी अगर हमें बोथ साइड सेम वैल्यूज मिलता है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। इससे देखिए, पाई का कैलकुलेशन ही हमें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिगर्स को सेपरेटली करते, वेल का वॉल्यूम आप अलग निकालते, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको अलग निकालते, तो आपको पाई हर जगह सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, अब हम इसमें अलजेब्रा यूज़ कर देते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, इतना पार्ट, ये देखने में हम इसकी तरह लग रहा है, अगर आप इसको कंपेयर करें। ओके, इसकी तरह है। तो यहाँ हम अलजेब्रिकल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे a + b, a - b। तो आप कैपिटल आर को a, स्मॉल आर को b ले लीजिए, तो आपको फार्मूला मिलेगा a + b मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, a - b मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके, ये वैल्यूज़ है। अब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ,
ओके सब्सटीट्यूट करने पर देखिए कैपिटल रेडियस जो हमने यहाँ निकाला था, कैपिटल रेडियस इज 11/2 एंड स्मॉल रेडियस इज 3/2, हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं. 11/2 प्लस 3/2, 11/2 माइनस 3/2 इक्वल्स स्मॉल रेडियस इज ऑल्सो 3/2. वेल का जो रेडियस है वो भी 3/2 है, इसमें स्क्वायर है लेकिन हाइट इज 14. हाइट इज 14, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एलसीएम इज 2, 11 प्लस 3, यहाँ भी एलसीएम 2, 11 माइनस 3 इक्वल्स 3/2 को मैं 2 टाइम्स लिख लेता हूँ. ओके यहाँ कैंसिलेशन कर सकते हैं, हम छोटा सा कैंसिलेशन है 7, यहाँ ऐड कर दीजिए. 11 प्लस 3 इज 14 बाई 2, 11 माइनस 3 इज 8 बाई 2. राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में 3 × 3 × 7, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 2 बचा हुआ है. यहाँ हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, यहाँ 7 यहाँ पे 4, तो जो बचे हुए वैल्यूज हैं हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं एक बार. मैं यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन को अवॉइड कर रहा हूँ. देखिए यहाँ भी मैंने रेडियस का स्क्वायर नहीं किया, मतलब रेडियस इंटू, क्योंकि रेडियस स्क्वायर का मतलब होता है रेडियस इंटू रेडियस 2 टाइम्स. तो मल्टीप्लीकेशन हमें जितना हो सके अवॉइड करते रहना है. मल्टीप्लीकेशन से पहले आपको जितने सारे डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन मिलते हैं आप पहले उसी को प्रेफर करें. ओके इससे सम काफ़ी ईजी हो जाता है. मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप का जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और बड़े वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है. तो ये एक अलग सा टेक्निक है. सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ता है, इसलिए मल्टीप्लीकेशंस को आप अवॉइड करें, क्योंकि कैलकुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा होता है. आप मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो नंबर्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो उससे आपको बचना चाहिए. ओके यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं. 7 × 4 लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में 3 × 3 × 7 बाई 2. अब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तब हमें हाइट का वैल्यू मिल जाएगा. इनको ट्रांसपोज कर देते हैं 3 × 3 × 7 / 2. अब ट्रांसपोज यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये जब उधर जाएगा डिवीजन हो जाएगा, मतलब हम उनको डिनोमिनेटर में लिखेंगे. कैंसिलेशन कर देते हैं 7 7. इसके बाद हमारे पास जो नंबर्स बच गए हैं उसको मल्टीप्लीकेशन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं. तो 3 3 9 / 8, तो ये हो गया हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 1 1/8 मीटर, या फिर हम डेसिमल भी लिख सकते हैं 1.125 मीटर. यह डेसिमल कैसे आया मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देता हूँ. देखिए 9 को हम 8 से 9 को डिवाइड करेंगे, बट 9 के पीछे कुछ भी नहीं है, तो हम डेसिमल लगा के कुछ जीरोस पुट कर सकते हैं. अब 8 1 8, ओके माइनस करने से 1, डेसिमल को शिफ्ट कीजिए, एक जीरो ड्रॉप कीजिए 10, सो 8 1 8, माइनस करने से 2, एक और जीरो ड्रॉप करते हैं 20, सो 8 2 16, माइनस करने पर 4, एक और जीरो ड्रॉप करते हैं 40, सो 8 5 40. ओके डिवीजन कंप्लीट, तो हमें यहाँ क्वेश्चन मिल गया 1.125. तो इस तरह से हमें हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट मिल गया.